ये बातों को कहते हैं तो हम क्यों नहीं मानते हैं? मान ले कि सच में प्रभु साधारण नर में ही आएंगे, उस साधारण नर में वो आ जाते हैं और आकर के सत धर्म स्थापित करते हैं। ये पेड़ आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है? तो उसका मूल परमात्मा है, उसके बाद सबसे नीचे जड़ वाली जगहों पर कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मवत्सों को दिखाया गया, जो त्याग, तपस्या, ध्यान, मेडिटेशन, इंद्रियों को संयमित करके अपनी नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा दूर दूर तक एनर्जी जाती है और वातावरण सकारात्मक होने लगता है। अब बिगड़ने वाले लोग बिगड़ रहे हैं, सुधरने वाले लोग सुधर रहे हैं, और जो एक तरफ हम देख रहे हैं पाप की भी यदि हो रही है तो पुण्य भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब कोई पाप का घड़ा भर रहे हैं तो कोई पुण्य का घड़ा भर रहे हैं, और जो पाप का घड़ा भर रहा है तो जो उसका पाप का घड़ा भरेगा तो वो भी एक दिन फूटेगा, और जो पुण्य कर रहा है वो घड़ा भी भरेगा तो वो भी एक दिन फूटेगा, और जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन हाहाकार हो जाएगी उसकी जिसने पाप किया है, और जिसने पुण्य किया है जब वो पुण्य का घड़ा फूटेगा तो उसकी तो जय जयकार हो जाएगी। तो आप बताओ, जय जयकार का हिस्सा बनोगे या हाहाकार में अपना जीवन को बनाओगे? क्या बनाना चाहते हो बोलो, ये आपके हाथ में है। दुनिया कहेगी, अरे हम तो इनको साधारण कहते थे, हम तो इनको ऐसे ही समझते थे, ये क्या बाबा 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 कहते रहते थे, पर यही बाबा वाले आज निकल गए, उन्हीं के पास आ जाएंगे। आपने ध्यान किया है ना, आपने साधना किया है ना, हमको थोड़ी सी शांति दे दो ना, क्योंकि आज तो कम अशांति कम है, थोड़ा माहौल ठीक हो गया है, पर आगे चल करके ये समय और ज्यादा विशाल बिगड़ा हुआ रूप लेने वाला है। सावधान, क्योंकि परिवर्तन होना है। ये मत सोचना कि ऐसा ऐसे चल लेगा, नहीं, खूब हमने अत्याचार किया है धरती माँ के साथ में, निर्मम पशुओं के साथ में, खूब काटे हैं हमने पशुओं को, सारी मानवता ने मिलकर ये कार्य किया है, तो उसको हर एक कार्य को हमको भोगना तो पड़ेगा ही, नहीं भोगना पड़ेगा? इस वृक्ष की शाखाएं कहती हैं, सबसे पहले तना दिखाया, वो है सतयुग की निशानी, देखो इस तने को, थोड़ी देर बैठे रहो, टाइम हो रहा भी हो तो पहले इसको क्लियर करूंगी तभी आपको छोड़ूंगी, ठीक है? भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी ना, मैं तो बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी लग रही होगी, पर आपको सिर्फ सुन रहे हो तो भूख को मत लगने दो, थोड़ी देर हम जाके बना के खा लेना, परंतु इसको सुन लो पहले। एक तना है, तना एक होता है, थोड़ा शक्तिशाली होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, ये सतयुग का प्रतीक है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जहां पर सब कुछ एक 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 होगा, मत एक होगी, भाषा एक होगी, धर्म एक होगा। कौन सा धर्म होगा सतयुग में? आदि सनातन देवी देवता धर्म, सब कुछ एक होगा, बहुत आनंद होगा। त्रेताया, देन आपने पेड़ को देखा है ना, थोड़ा चौड़ा नीचे, ऊपर थोड़ा सकरा, ऐसा होता है ऐसा, तो त्रेता में थोड़ा कम कम, पर एक एक एक, पर उसके बाद इस पेड़ को देखो, एक शाखा निकली, वृक्ष है उससे शाखाएं प्रशाखाएं क्या नहीं निकलेंगी? निकलेंगी। पहली शाखा निकली, 2500 साल तक तो सतयुग और त्रेता चलता है। उम्र को थोड़ा आज इतना ही मान के चलना, क्यों जगह जगह पर लाखों वर्ष कह दिया गया है, ये बात तो मैं आपको कल या परसों बताऊंगी, इतने जल्दी थोड़ी ना हर बात बता दूंगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो आज ही बता दूंगी तो कल आओगे ही नहीं आप, इसलिए आज इतना ही। तो ये जो है ना सतयुग और त्रेता बीता, द्वापर युग आया। द्वापर की बात करें जिसमें हमने अपने अनुसार तो बहुत सारी चीजों को सुना पढ़ा रखा है, पर इस वृक्ष के अनुसार 2500 साल के बाद में एक शाखा निकली जिसको दिखाया गया, वो शाखा है इस्लाम धर्म की, इब्राहिम जी के द्वारा इस्लाम धर्म स्थापित हुआ। और जो इब्राहिम जी का परिवार है या उसके पहले की बात करें, वो सभी देवी देवताओं को ही पूजने वाले थे, कोई अलग से नहीं थे, पर एक आत्मा जो परम धाम से आई वो जानती थी कि ईश्वर तो बिंदु में होता है,
उन्होंने कहा कि देवी देवताएं तो हमारे पूर्वज हैं, तो हम भगवान तो सिर्फ एक को ही कह सकते हैं। और उन्होंने उस एक की बात कहना शुरू कर दिया। थोड़ा सा विरोध हुआ, कुछ लोगों ने उनकी बात को माना, कुछ ने नहीं माना। ऐसे करके धीरे से इस्लाम धर्म स्थापित हो गया। अगली शाखा निकली बौद्ध धर्म की, जिसको आए 2200 वर्ष लगभग हो चुके हैं, 2500 साल हो गए इस्लाम धर्म को आए, बौद्ध धर्म को आए 2200 कह दें, ठीक है उतना भी। तो वो अगली शाखा निकली, उस धर्म में वहां की बातें बताई गई, उस अनुसार चलने वाले कुछ लोग, एक अलग धर्म बन गया। जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापित किया, जिसको 2000 साल हो चुके। संन्यास धर्म आया, आदि शंकराचार्य जी आए, वो स्थापित हुआ, वो धर्म वो भी चला। सबका अपना अपना समय आया, कोई कब आए कोई कब आए। सिख धर्म स्थापित हुआ, महावीर स्वामी जी आए। इन सबकी अलग अलग गणनाएं हैं, अलग अलग समय पर आए हैं, तो ये सब गलत नहीं है। ये सभी जिस जिस चीज की संसार में कमी पाई गई, इन इन धर्म स्थापकों ने उनको रखा और उनकी प्रधानता बताई गई। महावीर स्वामी जी के समय पर हिंसा काफी बढ़ गई थी, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं इस बात को। प्रेम समाप्त हो गया था, जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड, प्रेम को ही ईश्वर बता दिया, ताकि लोग कम से कम प्रेम में तो जीवन शुरू करें, मारना काटना तो शुरू ना करें एक दूसरे को, इंसानियत इंसानियत को ना मारे, तो वो बात बताई गई। तो कुछ समय तक सृष्टि जो है थमी तो रही, परंतु उन धर्मों में फिर बाद में उनमें भी फिर क्या होने लगा, अलग अलग बटने लगे, कोई दो भागों में बढ़ गए, कोई तीन भागों में बढ़ गए, सब में विस्तार होने लगा। और आज सभी धर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी ये संसार में दुख अशांति बढ़ती ही गई और विकार बुराई बढ़ती ही गई। भगवान ने पहले पैगंबरों को भेजा, पर ये सृष्टि जब नहीं संभलती है तो फिर उस खुद मालिक को आना पड़ता है, पहले के पहले नहीं आते। यदि कहीं झगड़ा हो लड़ाई हो तो पहले कुछ सैनिक आएंगे, पुलिस आए, पुलिस व्यवस्था, ठीक है, कहीं कुछ बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ उधर से ढेर सारी सेना आएगी, नहीं संभलेगा और थोड़ी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, नहीं संभलेगा तो स्वयं जो कमांडर है वो खुद आएगा, क्योंकि मामला संभल नहीं रहा है। ऐसे ही धर्म स्थापक आते गए सृष्टि में, थोड़ा 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 ठीक ठीक चलता गया, पर थोड़ा कम ज्यादा होता गया, कोई बात नहीं, पर अभी अंत में अब नहीं संभल रहा है, बिगड़ती हुई ही नजर आ रही है। क्यों? एक तरफ साइंस, एक तरफ अध्यात्म, हम देख रहे हैं साइंस वो साधन, टेलीविजन मोबाइल ये वो, इनसे तो इतने जल्दी आज प्रभाव पड़ रहा है कि आज से 10 साल बाद का समय क्या होगा ये समझ में नहीं आता। कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने तो कह दिया इस संसार की हालतों को देखकर कि 2050 तक हम कह दें इस संसार में आगे का जीवन संभव नहीं है, ये बातें बोल दी गई हैं, पर हम लोगों को अभी तो समझ में नहीं आता है, ये बातें कह दी गई। हमने अपने हाथ से वो गड्ढा खोद रखा है जिसमें हम खुद जाए जा रहे हैं। महाभारत में एक कथा आती है यादव सेना की, दो सेना तो थे, पर यदुवंशियों के लिए कहा कि इनके जो युवाएं थे, जो युवा थे, वो युवा काफी नटखट थे, काफी शरारती थे, ऋषि मुनियों को बिल्कुल नहीं मानते थे, तो उनमें से किसी ने अपमानित करने की भावनाओं को लेकर के एक ऐसे ऋषि के पास में गए जो त्रिकालदर्शी थे, जो बता दिया करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ तक कि यदि किसी की कोई संतान होने वाली है तो वो भी बता देते थे कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो वह यादव पुत्र जो कहीं बाहर के नहीं है, परमात्मा के ही कुल के दिखाए, मतलब वो श्री कृष्ण जी के ही कुल के दिखाए, सारा संसार ईश्वर का ही तो है, तो वो ऋषि के पास में गए। एक लड़का सांब है जिसका नाम, उसे स्त्री के कपड़े पहना दिया गया और पेट में ढेर सारे कपड़े लपेट दिए गए और एक गर्भवती स्त्री बना दिया गया,
और वह मजाक लेने के लिए, मजा लेने के लिए उस ऋषि के पास में जाते हैं और कहते हैं, बोलो ऋषिवर, इस कमल नयनी महिला को पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो वो तो देख लिया, बोले ये तो मेरा उपहास करने आए हैं। बोले न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे एक मूसल निकलेगा और इससे तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। जैसे सुना उन यादव पुत्रों ने देखकर डर गए, वस्त्र को निकाला, सच में एक मूसल मिला। राजा उग्रसेन जी के पास में पहुंचे, बोले क्या करें महाराज, हमसे गलती हो गई। बोले हाँ गलती तो किया है, परिणाम भुगतना पड़ेगा, परंतु कोई बात नहीं, इसके चूरे चूरे कर दो और समुद्र में बहा दो। समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में जब डाला गया तो हुआ ये कि वो छोटे छोटे टुकड़े तो जो है, जो बहुत बारीक बारीक चूरे हो चुके थे, वो लहरों के माध्यम से साइड में आ गए। थोड़ी देर सुन लो, और जो थोड़े बड़े एक दो टुकड़े बचे थे वो बीच में रह गए, उसे किसी मछलियों ने खा लिया। और कथा कहती है कि वही टुकड़ा उस मूसल का एक मछुआरे ने मछली पकड़ी, और वो मछली जब काटा तो वो टुकड़ा मिला लोहे का, मूसल का। उससे उन्होंने तीर की, जो धनुष तीर होता है, उसकी गांसी बना लिया सामने वाला। और कथा कहती है कि श्री कृष्ण जी के पाँव में वही तीर लग जाता है और श्री कृष्ण जी फिर भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यादवों की समाप्ति की वो कथा है। और जितने भी पूरी प्रजा है, पूरे यादव है, इनका सबका नाश कैसे हुआ? तो बोले वो सब दूसरे क्षेत्र की तरफ जाने लगते हैं और उनकी आदतें बड़ी गलत सी होती हैं, मदिरा पान करना, लड़ाई झगड़ा करना, और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं, और उनके पास जो भी हथियार रहते हैं उनका प्रयोग करते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो बोले वो जो घास उगती है उस चूरे से, जो मूसल था जिसका चूरा किया गया था, महाभारत में उस घास का नाम एरका है, और उस घास से जिससे ऐसे एक दूसरे को मारे तो अंग या हाथ चमड़ी कहीं वो कट जाया करती थी, तो उन्होंने एक दूसरे को उससे मार करके समाप्त कर लिया। ये महाभारत कथा में बताया गया। इसका भाव क्या है आपको बताएं? आज हम ये इंसानों की ही बात है, जो अपने बुद्धि बल से, अपने दिमाग चला चला करके कई सारी चीजों का निर्माण कर रहे हैं। ये मूसल क्या है? ये मूसल मिसाइल है, जो आज साइंटिस्ट जगत ने क्या किया है, विज्ञान जगत के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा वह बड़े बड़े मिसाइल तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन ये बने हुए मिसाइल ये सुरक्षा के लिए कम, लेकिन ये असुरक्षा का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। पता है क्यों? पता है क्यों बनाया? किस लिए गया? सामने वाले यदि वार करेंगे तो हम भी इधर से बटन दबा देंगे। लेकिन आज ये इतने सारे बन चुके हैं देश में, विदेश में, सब जगह, और ये रखे रखे इनमें इतना ताप बढ़ रहा है, कभी भी विस्फोट हो सकते हैं यदि इनका इस्तेमाल एक दूसरे के संहार के लिए ना भी किया जाए तो भी। यह इनके लिए विचार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग लग रही है क्या किया जाए। समुद्र में यदि डाल देंगे तो समुद्र पूरा विषैला हो जाएगा, और वो जब वृष्टि में बरसेगा तो इधर सब तरफ उसका प्रभाव पड़ेगा। रखे रखे भी कहीं ये विस्फोट ना हो जाए, इस बात का डर है। चलो छोड़ो, अगली बात करूं मैं तो, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, और दो विश्व युद्ध के बाद में तीसरा विश्व युद्ध की भी तैयारियां हो रही है, और ये कब छिड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या बता सकते हो कब होगा? और उस त्रासदी को तो देखा या सुना होगा ही, द्वितीय विश्व युद्ध तक की कितनी भारी जनसंख्या का एक साथ संहार हुआ, और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा आप सोच सकते हो? रूह कांप उठेगी उस बात को सुनकर के। 1945 हिरोशिमा नागासाकी जापान की, जब वह परमाणु बम, बेबी बम विस्फोट किया गया था, उस समय की हालत इतनी बेकार थी कि आपको क्या बताएं। तापमान अत्यंत तीव्र और पूरा पानी जैसे उबल रहा था, खौल रहा था।
रखी हुई मूर्तियां पिघल गई थी, खड़े से कुछ नहीं, इतना ताप बढ़ गया था, वहां बचे हुए लोग नहीं बच पाए, जो दूर चले गए शायद वही अपने आप को बचा पाए। अपनी जान बचाने के लिए जो पानी का सहारा लिए, जो पानी के अंदर सोचे जाके बच जाए, पर पानी भी उबल रहा था, नहीं बच पाए। जो ऐसे थे वो भी उस तापमान को, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाए, और ऐसे अनेकों की जाने जा चुकी थी। और आज तक उस छोटे से परमाणु बेबी बम का प्रभाव है कि उस हिस्से में अभी भी वनस्पति उग नहीं पाई है। दूर दूर तक वो संतानें जो पैदा होती हैं, वो अनुवांशिक रूप से विकलांग पैदा होती हैं। 1945 की बात, अभी तक उसका इतना प्रभाव है, 1945 की कहानी कहती हूँ मैं। अब आप बताओ, आज साइंटिस्ट के द्वारा इतने बड़े बड़े बम बना दिए गए हैं, जिसकी क्या बात कहें, वो तो छोटे छोटे थे। बड़ी बड़ी चेन है, बड़े बड़े हाइड्रोजन बम्स हैं, और ये यदि छोड़ दिए जाएंगे तो फिर हाहाकार भी मचेगा। बचना है यदि इन चीजों से तो ज्ञान योग तप बल को बढ़ाइए। संसार रूप वृक्ष का परिवर्तन होना है, तीन प्रकार से विनाश होना है। त्रिशूल दिखाते हैं शंकर जी के हाथ में, त्रिशूल तीन प्रकार से विनाश मतलब परिवर्तन इस संसार का होना है। एक ग्रह युद्ध, नंबर टू प्राकृतिक आपदाएं, नंबर थ्री अंतरराष्ट्रीय युद्ध बम मिसाइल्स के द्वारा जो होगा, तो ये सब होना है। क्या नहीं दिखता आपको घर घर युद्ध कैसे चल रहे हैं, भाई भाई कैसे एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। आगे की बातें धर्म ग्लानी के दिन जरूर करेंगे, अभी समय हो चुका है, पर फिर भी अपने आप को थोड़ा संभाल लीजिए। बन जाइए आध्यात्मिक, बन जाइए ईश्वर का, लास्ट में पश्चाताप के आंसू ना बहाने पड़े, इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, अपने कल्याणार्थ तो कुछ कर सकते हो, मुझे क्या करना है वो मैं जानती हूँ, मुझे बात समझ में आ चुकी है। पर आपके बीच में यहाँ बैठी हूँ बताने के लिए, तो आप सब कोई दूसरे नहीं है, कोई मेरे माँ के सदृश्य तो कोई पिता के सदृश्य है, तो और ऐसे में हम सब एक पिता की ही संतान है। तो ना सिर्फ मैं मेरा ही कल्याण करूँ, बल्कि हम सब अपना मिलकर के कल्याण करें। हम सब एक हैं, तो हम सब अपने अंदर परिवर्तन लाए, उस एक को पहचाने और चले हम सब उस स्वर्ग दुनिया में, तो कितना आनंद आएगा सोचो ना। मैं तो जाऊंगी उस सतयुग की दुनिया में, आप नहीं चलोगे मेरे साथ? चलोगे तो तैयारी तो कर लेना, ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, बुराई भी तो छोड़ना है, आध्यात्मिक बनना है, कोई चीजें थोड़ी ना छोड़नी है, घर घर नहीं छोड़ना है, मत जाना जंगल में, कभी नहीं बोला भगवान ने, ठीक है, नहीं जाना है, यहीं रहना है, परंतु उसके लिए हर दिन करना पड़ता है, एक एक घंटा देना पड़ेगा। 24 घंटा है आपके पास, 23 आपके, एक घंटा उनके लिए, तो वो उनके नहीं, वो आपके खुद के लिए है वास्तव में, तो आत्म कल्याण के लिए। तो आपको अपने आप से प्यार नहीं है, बताओ आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, बोलो ना, यदि करते होगे ना तो आप अपने जीवन के लिए जरूर समय निकालोगे, और नहीं करते होगे तो अब क्या बोल दूं मैं, वो अब आप ही है अपने आप को संभालने वाले, अपने आप को डुबा लो या उबार लो, तारने वाला है वो और डुबाने वाला है वो, ऐसे नहीं है, हम ही हैं, हम ही डुबा देते हैं और हम ही अपने अच्छे सत्कर्मों से हम तर जाएंगे और बुरे कर्मों से डूब जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को पूर्ण करें, कल हम अगली बातों को श्रवण करेंगे, कल जितने आए हो पूरे आना और साथ में लेके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओम शांति। थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठिए, ध्यान के